चलिए, स्वागत है आपका फिर से लक अकेडमी में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि मैंने काफ़ी वीडियो आपके लिए बनाई है रिसर्च मेथडोलॉजी पर, लेकिन कमेंट की वजह से मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है फिर से आपका, जहाँ पर मेजरमेंट एंड स्केलिंग ये बहुत ज़्यादा टॉपिक है। तो मैंने कहा आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक, जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे पीछे की वीडियो नहीं देखी है, जहाँ पर मैंने 2000 आपके आपके MCQ ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, जो आपके PhD एंट्रेंस, MPhil एंट्रेंस या फिर कोर्स फॉर एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और वो सारी चीज़ें। तो पहला मैं बात करता हूँ मेजरमेंट एंड स्केलिंग पर। मेजरमेंट क्या होता है कि मेजरमेंट मीन्स असाइनिंग अ नंबर टू द करेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू द सर्टेन प्री स्पेसिफाइड रूल। अगर हम कोई भी चीज़ को ऑब्जर्वेस्ट कर रहे हैं, करेक्टरिस्टिक को उसका चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर असाइन कर देते हैं, जिसको बोला जाता है मेजरमेंट, जो मेजर करेगा हमारी फिजिकल क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन रिसर्च। जैसे कि ईजी में बात करूँ कि मैंने कहा आपने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को चेक करना है, जैसे कि वेट है, हाइट है, ठीक है, जिनको हम क्वांटिटी में चेक नहीं करते, तो क्वालिटेटिव है, इनको हम ईजिली कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट फिनोमिना जैसे कि मोटिवेशन, स्ट्रेंथ, पर्सनैलिटी, अब इनको बड़ी डिफिकल्ट होता है कि हमने कहा वेट तो हम पता कर सकते हैं, हाइट तो हम पता कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करें कि भाई कितना मोटिवेशन है, कितना स्ट्रेस है, ये बड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वन टू वन करस्पॉन्डिंग बिटवीन द नंबर एंड करेक्टरिस्टिक बींग मेजर। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट और स्केलिंग के थ्रू इन सब चीजों को भी चेक कर सकते हैं। तो रूल फॉर असाइनिंग अ नंबर शुड बी स्टैंडर्डाइज एंड अप्लाइड इन यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पर हम लोग रूल्स को देखेंगे किस तरीके से काम करेगा। स्केलिंग क्या होती है, तो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट टूल फॉर द कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। मैंने कहा हर तरह के टूल आ चुके हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि IQ हमें कैसे पता करना है, किसी का हमें चेक करना है भाई कितना स्ट्रेस इसके अंदर है, ये सारी चीज़ों के लिए अभी तक कोई स्केलिंग नहीं आई। जब स्केलिंग नहीं आती है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ नए तरह का यूज़ करते हैं। तो जब लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट टूल फॉर द कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पर नई रूल आती है। टू सम डिग्री इवन अ मेजरिंग अ फिजिकल और इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट। यहाँ हम बात करेंगे स्केलिंग इन्वॉल्व अ क्रिएटिंग कंटिन्यूस सिक्वेंस इन विच एडजेसेंट एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बट इन एक्सट्रीम्स आर क्वाइट डिस्टिंक्ट। यहाँ पर हम इन्वॉल्व करेंगे स्केलिंग में, हम वो चीज़ें कंटिन्यूस सिक्वेंस में लेते हैं जो कि हमारी क्या है, अलग अलग हैं और रिलेटेड हैं। जैसे कि प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ नंबर टू द वेरियस डिग्री ऑफ ओपिनियन, एटीट्यूड एंड अदर कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी डिग्री को, किसी भी ओपिनियन को, किसी तरह के एटीट्यूड को एक पर्टिकुलर नंबर दे देंगे, और उसी नंबर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं अपने स्केलिंग में या सैम्पलिंग मेथड के टाइम पर हम लोग इसका यूटिलाइज करते हैं। तो मेकिंग अ जजमेंट अबाउट अ सम करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल देन प्लेसिंग हिम डायरेक्टली ऑन अ स्केल। यहाँ पर हमने क्या किया, अभी हम उसको मेजर करने वाले होंगे तो हम अलग अलग तरह के नंबर्स को, अलग अलग तरह के करेक्टरिस्टिक को एक क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर नंबर असाइन कर देंगे, जिससे कि हम उनका जजमेंट ईजिली कर सकें। तो यहाँ हम बात करते हैं स्केलिंग क्या होती है, किस तरीके से करते हैं। पहला मैंने क्या, कंसिडर एन एटीट्यूड स्केल 1 to 10। हमने क्या किया, एटीट्यूड को चेक करने के लिए वहाँ पर हमने स्केल दे दिया 1 to 10, जहाँ पर ईच रिस्पॉन्डेंट इज असाइन अ नंबर बिटवीन 1 to 10। यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट जिससे मुझे पूछा पता करना है कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, वहाँ पर आपको क्या करना होता है, 1 to 10 नंबर तक आपको असाइन किया जाएगा, उनमें से आपको एक क्या करना है, चूज़ करना है। जहाँ पर मैंने क्या किया, 1 आपका एक्सट्रीमली अनफेवरेबल है और 10 एक्सट्रीमली फेवरेबल है। हमने क्या किया, एक्सट्रीम से लेकर हर रेंज बना दी कि एक सबसे अच्छा है, सबसे बुरा है और सबसे अच्छा को अलग है कि मिड में है, थोड़ा सा है, नॉर्मल है, उस तरीके हमने 1 to 10 नंबर लगा दिए। तो मेजरमेंट क्या हुआ, एक्चुअल असाइनमेंट ऑफ नंबर 1 to 10 ईच रिस्पॉन्डेंट। यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्डेंट होगा, जो भी क्वेश्चनर को देख रहा होगा, जो आंसर कर रहा होगा, वो 1 to 10 नंबर देगा, लेकिन हमें पता होगा कि 1 का मतलब क्या है और 10 का मतलब क्या है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्केलिंग और मेजरमेंट का हमने यूज़ करके किसी के भी करेक्टरिस्टिक को हम लोग पता कर सकते हैं। तो स्केलिंग क्या है, इज अ प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग अ रिस्पॉन्डेंट ऑन अ कंटिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ स्टोर। यहाँ पर हम लोग चेक करने वाले होते हैं कि किस तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लेवल ऑफ मेजरमेंट। भाई लेवल्स ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं, कि 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट हैं, कौन कौन से, 4 मेथड हैं। तो पहला देखते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट में, पहला नॉमिनल, दूसरा होता है ऑर्डिनल, तीसरा होता है आपका इंटरवल और फोर्थ होता है हमारा रेशियो। तो यहाँ पर हमारे याद रखना है कि लेवल ऑफ मेजरमेंट आपके 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, काफ़ी ऑब्जेक्टिव बनते हैं भाई कितने लेवल ऑफ मेजरमेंट हैं। तो 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट हैं, जहाँ पर नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, चारों को समझते एक एक करके। पहले हम बात करेंगे नॉमिनल।
तो नॉमिनल स्केल का मतलब होता है स्केल इन विच नंबर सर्व जस्ट अ टैग और लेबल ओनली टू आइडेंटिफाई और क्लासीफाई एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को पहचानना है किसी भी चीज़ को आर्टिकल के लिए, तो वहाँ पर हम लोग दो नंबर असाइन कर देते हैं, कोई भी नंबर असाइन कर देते हैं, उस चीज़ से ही हम लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नॉमिनल स्केल मेजरमेंट नॉर्मली रीड्स ओनली अ नॉन न्यूमेरिक वेरिएबल दैट इज वेयर नंबर हैव नो वैल्यू। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर रखा है किसी पर्टिकुलर चीज़ को दो नंबर्स में असाइन कर दिया, जैसे मैंने बोला मेल और फीमेल है, तो यहाँ पर नंबर से कोई भी वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ हमने क्या किया उनको पहचानने के लिए सिर्फ एक नंबर दे रखा है। तो यहाँ पर यह समझ लेना कि वन और टू का मतलब कोई नहीं होता है। जैसे मैंने कहा मान लीजिए मैंने मेल को वन दिया और फीमेल को टू दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेल आपका सुपीरियर हो गया या इन्फीरियर हो गया। वो एक आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक आपका क्वेश्चनार एक सर्वे करने के लिए हमने वहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो वेन यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन देर इज ए स्ट्रिक्ट वन टू करेस्पॉन्ड बिटवीन द नंबर्स एंड ऑब्जेक्ट। सपोज हमने कहा एग्जाम्पल की बात करूंगा कैरेक्टरिस्टिक में, जैसे कि ऑब्जेक्ट है मैंने एग्जाम्पल दिया जेंडर के लिए कि मेल है या फीमेल है या अदर, तो मैंने मेल के लिए वन, फीमेल के लिए टू या अदर्स के लिए थ्री, या मैंने हेयर कलर के लिए बात कर रहा हूँ कि ब्राउन ब्लैक वन ब्लॉन्ड रेड अदर्स, मैंने यहाँ नंबर दे रखा कि वन फॉर ब्राउन टू फॉर ब्लैक थ्री फॉर ब्लॉन्डी। तो ये क्या है कि नंबर जरूर है लेकिन नंबर का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता इन केस ऑफ नॉमिनल स्केल। जैसे रिलीजन है कि आपका हिंदू है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, मॉर्मन है, कौन सा है, क्रिश्चियन है, तो इन सब के लिए मैंने एक पर्टिकुलर आपको नंबर असाइन कर दिया। तो नॉमिनल स्केल में हम लोग नंबर असाइन कर देते हैं लेकिन उस नंबर का कोई मीनिंग नहीं होता है। दूसरा हम बात करेंगे ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल का मतलब होता है ऑर्डर। तो यहाँ पर ऑर्डिनल स्केल आपका ऑर्डर से बना हुआ है, कंटेन थिंग्स दैट यू कैन इन प्लेस इन ऑर्डर। तो जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर में हमारा ऑर्डिनल स्केल आ जाता है। तो ये रैंकिंग स्केल होती है इन विच नंबर आर असाइन टू एन ऑब्जेक्ट टू इंडिकेट द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्ट पजेसेस सम कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर हमारा रैंकिंग स्केल पर ही काम करता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा और सबसे कम, मतलब एक रेंज बन के आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हॉटेस्ट टू कोल्डेस्ट, हम चेक करेंगे सबसे हॉट टेम्परेचर कौन सा है, सबसे कूल कौन सा है, सबसे वेट में लाइट कौन है, सबसे हैवीएस्ट कौन है, रिचेस्ट टू पुअरेस्ट। मतलब ऑर्डिनल का मतलब जब हम ऑर्डर में बात करते हैं किसी चीज़ की, हाइएस्ट टू लोएस्ट, कोल्डेस्ट टू हॉटेस्ट, हैवीएस्ट टू लाइटेस्ट, तो ये हमारा ऑर्डिनल की बात करते हैं। या फर्स्ट पोजिशन, सेकेंड पोजिशन, थर्ड पोजिशन, या प्लोसन करते हैं, तो ये सब ऑर्डिनल की बातें होती हैं, है ना। तो हेल्प टू डिटरमाइन द वेदर ऑब्जेक्ट हैज़ मोर और लेस करेक्टरिस्टिक, इनसे हमें पता चल जाता है कि भाई अगर किसी का कोल्डेस्ट आ रहा है मतलब उसका करेक्टरिस्टिक हमें पता चल जाता है ऑर्डिनल स्केल से। तो ऑर्डिनल आपका क्या करता है एक रिलेशन शो कर देता है। तो अ सीरीज ऑफ नंबर कैन बी असाइन दैट प्रिजर्व ऑर्डर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये रिलेशनशिप को शो करता है कि नंबर से ही हमें पता चल जाता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ का क्या यूज़ है। सपोज मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि ऑर्डिनल स्केल आर टिपिकली मेजर अ नॉन न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट लाइक सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, डिस्कम्फर्ट, इन सभी को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। सपोज मैंने बोला हाउ डू यू फील टुडे, तो मैंने बोल दिया वन फॉर वेरी हैप्पी, टू फॉर अनहैप्पी, थ्री फॉर ओके, फोर फॉर हैप्पी, फिफ्थ फॉर वेरी हैप्पी। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है एक नंबर बना रखा है, एक रेंज बना रखी है, एक ऑर्डर बना रखा है ना। तो फोर अगर किसी ने चूज़ किया या थ्री किसी ने चूज़ किया या टू चूज़ किया, तो हम इससे पता सकते हैं कि वो कितना बेटर है कितना नहीं है। तो इससे ऑर्डिनल से हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंस ओके, अनहैप्पी, सेम डिफरेंस बिटवीन वेरी हैप्पी एंड अनहैप्पी, तो वी कांट से, है ना। तो वहाँ पर हमें एक समझ में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरवल स्केल की। तो इंटरवल स्केल क्या होता है, इट इज़ अ स्केल वेयर देयर इज ऑर्डर एंड डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएबल इज मीनिंगफुल एंड इक्वल। तो जब हम स्केल की बात करते हैं वहाँ पर ऑर्डर और डिफरेंसेस बिटवीन टू वेरिएबल इज मीनिंगफुल हो और इक्वल हो, तो हमारी यहाँ पर इंटरवल स्केल होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, मोर एवर द प्रेजेंस ऑफ जीरो इज आर्बिट्री है। यहाँ पर जीरो जो है वो आर्बिट्री नंबर है। ये क्वेश्चन काफ़ी ऑब्जेक्टिव में आपका आता है, इसीलिए मैंने इसको रेड कर रखा है कि मोर एवर द प्रेजेंस ऑफ जीरो इज आर्बिट्री इन इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में जीरो जो है वो आर्बिट्री है, ये याद रखना है। क्लासिफाइड एग्जाम्पल ऑफ इंटरवल स्केल इज सेल्सियस टेम्परेचर बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन ईच वैल्यू इज द सेम। सपोज मैं बात करूँगा जब भी यहाँ पर सेल्सियस की बात करें, फेरनहाइट की बात करें, या कोई भी टेम्परेचर की बात करें, तो वहाँ पर जीरो आर्बिट्री होगा और वहाँ पर डिफरेंस आपका दोनों का सेम होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन 60 एंड 50 डिग्री इज अ मेजरेबल 10 डिग्री आपका आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इज़ द डिफरेंस बिटवीन 80 टू 70 डिग्री। यहाँ पर एक डिग्री का डिफरेंसेस आपको दिखाई देगा इन केस ऑफ इंटरवल स्केल। कंपेयर दैट द हाई स्कूल रैंकिंग विच इज़ ऑर्डिनल होती है। हाई स्कूल की अगर रैंकिंग बना रहे तो ऑर्डिनल है। वेयर द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड माइट बी 1% मार्क्स, तो वेयर इज डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड माइट बी 7%। तो जब हम बात करते हैं तो ये इंटरवल स्केल है। जब फर्स्ट सेकेंड के बीच में डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक इंटरवल स्केल हो जाएगा।
है ना, तो यू हैव मीनिंगफुल रिविज़न, यू हैव समथिंग ऑन इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में हमको एक मीनिंगफुल मिल जाता है। तो जैसे सेल्सियस टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, टाइम है, क्लॉक है विद हैंड्स, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, इंटरवल में आ जाते हैं। तो इंटरवल स्केल में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। द प्रॉब्लम इन द इंटरवल स्केल इज दैट दे डोंट हैव अ जीरो ट्रू। यहाँ पर ट्रू जीरो नहीं होता है इंटरवल स्केल में, याद रखना कि ट्रू जीरो नहीं होता है। जबकि हमारा इससे पहले वाला जो स्केल था, कौन सा वाला स्केल था कमेंट में बताएं, कि जहाँ पर जीरो इज आर्बिट्री है, जरूर वीडियो देख रहे हैं फिर, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और जिनको भी इसकी PDF रिक्वायर्ड हो वो PDF के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपनी email ID को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इवन व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं, तो वहाँ से मैं उनको क्या करूँगा, PDF वैल्यू को भी, आपको PDF को भी सेंड करूँगा। पर उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है सभी तक पहुँचे। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है लेकिन ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप लोग थोड़ा सा काम करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ओके, धन्यवाद। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इंटरवल स्किल में, कि यहाँ पर याद रखना कि प्रॉब्लम इन द इंटरवल स्किल क्या है आपकी, दे डोंट हैव अ ट्रू जीरो। यहाँ पर ट्रू जीरो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ नो सच थिंग नो टेम्परेचर। सपोज मैं बोलूँगी जीरो, यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता। मैंने कहा टेम्परेचर जीरो हो ही नहीं सकता, जीरो का भी यहाँ पर मतलब होगा एट नॉट लीस्ट नॉट विद द सेल्सियस। इन केस ऑफ इंटरवल स्किल जीरो डजन मीन एबसेंस ऑफ वैल्यू। अगर वहाँ पर जीरो वाला उसका मतलब वैल्यू एब्सेंट नहीं है। इवन नेगेटिव नंबर आल्सो हैव अ मीनिंग। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा इंटरवल स्केल के केसेस में, तो जीरो का भी क्या है, एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रू जीरो नहीं होता है। अगर जीरो लिखा तो उसका मतलब नो टेम्परेचर नहीं होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई टेम्परेचर नहीं है। मतलब यहाँ पर जीरो पर भी आपका, नेगेटिव पर भी आपका क्या होता है, एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। विद इंटरवल डेटा वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट बट कैन नॉट मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये थोड़ा सा याद रखना, इंटरवल के केसेस में हम लोग ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 10 डिग्री सी है प्लस 10 डिग्री सी आपका 20 डिग्री सी हो जाता है, या 20 डिग्री सी इज ट्वाइस एज अ हॉट 10 डिग्री सी, ये हम लोग कर सकते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज अ नो टेम्परेचर व्हेन इट कम्स टू द सेल्सियस स्केल। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन केस ऑफ इंटरवल डेटा आप ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। व्हेन कन्वर्टेड टू फ़ारेनहाइट से क्लियर 10 सी टू 50 F है, 20 सी जो आपका 68 है, तो विच इज़ क्लियरली नॉट ट्वाइस एज हॉट। ऐसा नहीं होता वहाँ पे, जस्ट ट्वाइस हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है। तो बॉटम लाइन आपको याद रखना, इंटरवल स्केल्स कितने कैन नॉट कैलकुलेट रेशियो विच ब्रिंग अस टू। देखिए, तो ये जरूरत नहीं है आपकी, जब मैं बात करूँगा आप रिटर्न दे रहे होंगे तब जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं रेशियो स्केल की। और जिन लोगों को ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वो एक काम कर सकते हैं, आप मेरी पिछली वीडियो को चेक कर, जहाँ पर मैंने 1000 प्लस 1000 2000 आपके MCQ रखे हुए हैं रिसर्च मेथडोलॉजी पर, जिसमें कि आपके PhD एंट्रेंस कोर्स वर्क, MPhil या किसी भी तरह का रिसर्च मेथडोलॉजी में आपका यूज़ हो सकता है, चाहे वो BBA हो, MCOM हो, MCOM का पार्ट 2 हो या BBA का पार्ट हो, आप हर जगहों पर इसका यूज़ कर सकते हो। रेशियो स्केल इज द अल्टीमेट मेजर स्केल बिकॉज दे टेल अस अबाउट द ऑर्डर, दे टेल अस एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन द इंटरवल, एंड दे ऑल्सो हैव एन एब्सोल्यूट जीरो विच अलाउ फॉर द वाइड रेंज ऑफ बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंसिस स्टैटिक टू अप्लाई सच ए ज्योमेट्रिक मीन। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड हार्मोनिक मीन कैन ऑल्सो बी यूज ऑन दिस स्केल। रेशियो स्केल आपका वो स्केल होता है जो अल्टीमेट मेजरमेंट हमारा क्या करता है, मेजर करता है, इनकेस ऑफ ऑर्डिनल हो या इंटरवल हो या एब्सोल्यूट जीरो हो, सभी जगहों पर हमारा रेशियो स्केल एक एग्जैक्ट वैल्यू प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर जीरो भी आपका क्या है, एज अ एब्सोल्यूट जीरो भी केसेस में भी ये आइडेंटिफाई करता है। बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रू जीरो वैल्यू द रेशियो स्केल डज नॉट हैव द नेगेटिव वैल्यू। बस हम बात करेंगे कि रेशियो स्केल में आपका ट्रू जीरो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसीलिए कभी भी वैल्यू आपकी नेगेटिव में नहीं आएगी। टू डिसाइड व्हेन टू यूज अ रेशियो ऑफ स्केल द रिसर्चर मस्ट ऑब्जर्व वेदर द वेरिएबल हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल अलॉन्ग द प्रेजेंस ऑफ एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू। कब यूज़ करेंगे, जब हमारा क्या ऑर्डिनल और इंटरवल के केसेस में हो और एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू भी उसके अंदर है, तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। सपोज मैं बात करूँ एग्जाम्पल, जैसे कि वेट है, हाइट है, सेल्स है, फिगर है, रूलर मेजरमेंट है, इनकम अर्न इन अ वीक चेक करना है, ईयर्स ऑफ एजुकेशन चेक करना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन चेक करना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब ऑर्डिनल, इंटरवल और एब्सोल्यूट जीरो सारी वैल्यू आती है, तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं रेशियो स्केल का। अगर मैं यहाँ बात करूँ आपका कि स्केल्स में मेन डिफरेंस क्या है, डिस्क्रिप्टिव क्या है, तो पहले एक बार थोड़ा समझ लेते हैं
नॉमिनल क्या है, नंबर आइडेंटिफाई, क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट, जैसे कि परसेंटेज है, मोड है, यहाँ पर जस्ट आपके स्टैटिक सेटिंग कौन सी लगाएंगे, तो परसेंटेज और मोड लगाते हैं। कैसे चेक करते हैं, तो नॉमिनल को चेक करने का आपका काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं, जहाँ पर हम लोग पता कर सकते हैं इस तरीके की चीज़ें। दूसरा होता है ऑर्डिनल स्केल, जहाँ पर नंबर इंडिकेट करता है रिलेटिव पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बट नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैम। नंबर आपका ऑर्डिनल आपका इंडिकेट करता है, नंबर से आपके रिलेटिव पोजीशन बता सकता है, लेकिन उनके बीच में कितना मैग्नीट्यूड है, कितना डिफरेंस है, वो नहीं बता सकता है। मतलब इसको निकालने का हम अगर स्टैटिक अगर टेक्निक लगाएं तो परसेंटाइल के थ्रू निकाल सकते हैं, या मीडियन के थ्रू हम लोग ऑर्डिनल निकाल सकते हैं, है ना। और अगर इसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है, जो टेस्ट यूज होता है, वो स्पर्मियन, आपका जो स्पर्मियन जो स्पीयरमैन है, कोरिलेशन, तो यहाँ पर हम लोग कोरिलेशन के थ्रू निकाल सकते हैं ऑर्डिनल की वैल्यूज़ को। थर्ड अगर हम लोग बात करते हैं कि इंटरवल, तो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन बी कंपेयर्ड, 0 पॉइंट इज आर्बिट्री है। जब हम दो को आपका क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, लेकिन 0 यहाँ पर आर्बिट्री है, होना ही चाहिए। जहाँ मैंने लिया था 60 से 70 के बीच में, 70 से 80 के बीच में, तो 0 आर्बिट्री है, होना चाहिए, वो इंटरवल स्केल होता है। यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं किसके थ्रू, तो रेंज के थ्रू, मीन के थ्रू, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू हम लोग इंटरवल आपकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए जो टेस्ट आता है वो आपका एनोवा टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है, रिग्रेशन होता है, फैक्टर एनालिसिस होता है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन है, इनके थ्रू हम इंटरवल को निकाल सकते हैं। और रेशियो की बात करें तो 0 पॉइंट आपका फिक्स हो चुका होता है, रेशियो ऑफ स्केल वेरीज कैन बी कंप्यूटेड। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन जो है वो हम यहाँ पर लगाते हैं, कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन के थ्रू आपका क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्केल की बात करें तो टाइप्स ऑफ स्केल आपके 3 तरह के होते हैं, आपका लिकर्ट रेटिंग स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल और थर्स्टन स्केल। चारों समझ लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्केल कितने तरह के स्केल है, तो लिकर्ट रेटिंग स्केल है, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है और थर्स्टन स्केल है। एक एक करके समझते हैं लिकर्ट स्केल क्या होता है। तो लिकर्ट क्या होता है, लिकर्ट इंक्लूड द सीरीज ऑफ क्वेश्चन दैट यू मच पीपल टू आंसर, 5 to 7 बैलेंस रिस्पॉन्स यूज टू अलाउ दैट इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस हाउ मच दे एग्री और डिसएग्री विद पर्टिकुलर स्टेटमेंट। लिकर्ट स्टेट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा होता है, उसके चक्कर में हमारे 4 या 5 आंसर हम दे देते हैं, पाँचों को एक नंबर असाइड कर देते हैं कि आप जो है हमारी बातों से कितना सहमत हैं, कितना सेटिस्फाइड हैं, स्ट्रांगली एग्री है, न्यूट्रल है, डिसएग्री या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये लिकर्ट स्केल में आपका क्या होता है, हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं कि कितना आप मेरी बातों से सहमत हैं। जैसे मैं बात करूं कि वीडियो में बना रहा हूं तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है, आप नंबर में बता सकते हो कि स्ट्रांगली एग्री कर सकते हो, एग्री कर रहे हो, न्यूट्रल है, डिसएग्री है या स्ट्रांगली डिसएग्री, है ना। आई वियर स्पोर्ट्स शू वाइल ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और मैं ये कर रहा यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट आपका ऑलवेज करते हो, ऑफन कर सकते हो, समटाइम करते हो, रेयरली करते हो या फिर नेवर, कभी यूज़ नहीं करते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, जब हम ऐसी बातें करते हैं तो ये हमारा लिकर्ट स्केल है, जो एज्यूम करता है, स्ट्रेंथ को बताता है, इंटेंसिटी बताता है, कंटिन्यूम बता देता है कि आप स्ट्रांगली उस पर्टिकुलर बात से कितना सहमत है, कितना सेटिस्फाइड है, है ना। तो ये थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं सिमेंटिक पर, डिफरेंशियल स्केल है, लिकर्ट स्केल आस्क द रिस्पॉन्डेंट टू एग्री और डिसएग्री विद गिवन स्टेटमेंट वाइल द सिमेंटिंग डिफरेंशियल। देखो यहाँ पर अगर बात करें, लिकर्ट तो पर्टिकुलर बता रहा था कि आप एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, वाइल सिमेंटिंग क्या बताता है, डिफरेंशियल स्केल क्वेश्चन आस्क द रिस्पॉन्डेंट टू कंप्लीट अ स्टेटमेंट ऑफरिंग अ टू पोलराइज ऑप्शन अलॉन्ग विद सम मिडल ऑफ द रोड ऑप्शन। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई सिमेंटिक का मतलब है कि हम उसको एक स्टेटमेंट देंगे जिसमें वो कंप्लीट कर सकता है, उसके बारे में आगे भी बता सकता है कि वो सही है गलत है, जैसे ऑप्शन बोलते हैं ना हम लोग, उस तरीके क्वेश्चन है। तो सिमेंटिक डिफरेंशियल अलाउ द मेजरिंग टू एटीट्यूड और फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्डेंट। यहाँ पर आप क्वेश्चन दे रहे थे, उसमें अपने स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग बता सकता है कि प्रोडक्ट के बाद पर, कि कोई पर्टिकुलर, जैसे हम होटल में जाते हैं तो होटल में खाने का बने के बाद बता देते हैं कि आप बता रहे कि आप पहले से स्टेटमेंट लिख के दे दिया कि भाई होटल में खाना कैसा था, ये हमने लिख दिया कि होटल में खाना कैसा था, तो वो लिकर्ट में आप बता दिया कि भाई खाना कैसा बना, आपने बता दिया भाई अच्छा बनता है, हमेशा अच्छा बनता है, कैसा था, ख़राब बनता है, वो चीज़ हम बता सकते हैं इस तरीके से लिकर्ट स्केल के थ्रू। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि भाई खाना कैसा था, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बता सकते हैं भाई गर्म था, ठंडा था, बहुत अच्छा था, बहुत ख़राब था, तो वहाँ पर क्या आपको ऑप्शन उस तरीके से देंगे, आपको टिक करना होता है, आपको फील करना है। जैसे कि लाइक आई फील मैनेजर, अगर हम मैनेजर के बारे में पूछें कि भाई आपको इस पर्टिकुलर टाइम पर ये होटल कैसा लगा, तो आप बताएंगे भाई अच्छा लगा या बुरा लगा, तो वहाँ पर वो पूछेगा कि ये होटल हमारा होटल बहुत अच्छा है, मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया हमारा होटल बहुत अच्छा है, तो आप लोगों की स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। जैसे मैं बोलूँ कि वीडियो कैसी है,
आपको समझ में आ रहा है नहीं, तो कुछ लोग कहेंगे हाँ मुझे समझ में आ रहा है, मैंने लिया एक वीडियो मैंने बनाई है आपको अच्छी लगी। कितने लोग स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं, कितने लोग एग्री कर रहे हैं, न्यूट्रल है, डिसएग्री है या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री, ये चीज़ बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर क्या करूँ, आपको फीडबैक मांग रहा हूँ आपसे कि भाई आपका जो मैंने बोला कि प्लीज़ रेट योर मैनेजर टू फॉलोइंग ट्रेड, अगर मैं इस तरीके से लिखूँ भाई स्ट्रांग वीक इनडिसिजिव फेयर अनफेयर, तो वहाँ पर हम आपको अगर पूरा आंसर के बारे में बात करने लगते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक प्रोफाइल के बेसिस पर हो जाता है। तो यहाँ हमारा कौन सा यूज़ हो जाता है आपका पर्टिकुलर। थर्स्टन की बात करें तो थर्स्टन इज अ स्केल विच मेड अप ऑफ स्टेटमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर इशू एंड ईच स्टेटमेंट हैज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू इंडिकेट द रिस्पोंडेंट एटीट्यूड अबाउट द इशू आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो थर्स्टन स्केल हैज़ अ नंबर ऑफ एग्री और डिसएग्री स्टेटमेंट, यहाँ पर दोनों तरह के स्टेटमेंट दिए जाएंगे एग्री और डिसएग्री दोनों तरह के। पीपल इंडिकेट विच स्टेटमेंट विच विद दे एग्री और एवरेज रिस्पॉन्स इज कंप्यूटेड। जैसे वन मोस्ट क्लियर एग्जैक्टली व्हाट इज़ योर ट्राइंग टू मेजर, यहाँ पर आपको पता होता है, फ्रेम कर सकते हैं हम लोग फेवरेबल और अनफेवरेबल। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि एग्जाम्पल द इशू ऑफ सेम जेंडर मैरिज, मैंने एक इशू लिखा, एग्जाम्पल लिखा द इशू ऑफ द सेम जेंडर मैरिज कि भाई लड़के लड़का है, लड़का लड़के के बीच में या लड़की लड़की के बीच में शादी जो है वो किस तरीके का है, तो आप अपना बता सकते हो भाई आई शुड बी अगेंस्ट द लॉ, देर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद इट, तो मैरिज इट इज़ बिटवीन मैन एंड वुमेन, इट शुड बी सिन, इट इज़ परफेक्टली अप्रिशिएट। तो आपको क्या किया जा रहा है, उसके हर पॉसिबल आंसर दिए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना होता है। तो दैट इज़ द थ्रस्टन स्केल, क्लियर हो रहा ना इस एग्जाम्पल से। तो आस्ट टू जज 11 पॉइंट रिस्पॉन्स, वन टू वेरी, वन वेरी निगेटिव और 11 आपका वेरी पॉजिटिव। अगर आप पढ़ोगे तो पहला हम निगेटिव से शुरू करते करते आपका पॉजिटिव ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव तक सारे नंबर दे देते हैं और आपको बोलते हैं कि आपको क्या करना है, चेक करना है। तो व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड ईच ऑफ दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट, तो यहाँ पर हर लोगों का अलग अलग तरीके का आएगा, फिर हम उसके बेस पर चेक करेंगे कि भाई कितने लोगों ने क्या चेक किया, कितने लोगों ने पहला वाला आंसर लगाया, कितने लोगों ने सेकेंड वाला लगाया, है ना। जैसे यहाँ पर देख गया, फिर हमने चेक कर लिया भाई परसेंटेज या एवरेज के बेस से कि भाई सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा कि 6.9 लोग आया कि आई कैन जस्ट डू एनी हार्म, आई कॉन्ट डू एनी हार्म इससे। तो हमने देख लिया कि भाई कितने लोगों ने, कितने परसेंट में कितने लोगों ने ये आंसर सही किया, कि 1% लोग थे जिन्होंने फर्स्ट आंसर किया, सेकेंड लोग ऐसे थे, थर्ड इतने थे, इतने परसेंट थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सपोज देयर वाज अ रीजनेबल कंसेंसस आ जाते हैं आपके, हम लोग यहाँ फाइनली पर्टिकुलर आंसर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चीज़ें हो जाती है। तो जितने लोगों को भाई वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर वीडियो में आपको कोई दिक्कत आ रही है, किसी तरह का है, आपको उसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं इसको आपको PDF सेंड कर सकता हूँ। चलिए थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।